हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू मैक्सी क्रिकेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेनिस क्रिकेट में एक बेस्ट स्टांस कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि टेनिस क्रिकेट में अगर आपके पास स्टांस अच्छा है तो आप एक अच्छे प्लेयर बनोगे, एक अच्छे खिलाड़ी बनोगे। जैसे कि मेरा स्टांस है, तो मतलब सबका अपना अपना स्टांस होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टांस लो ताकि आप चारों बगल छक्के लगा सको। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो भी बिगनर्स हैं, जो भी क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो स्टांस होना चाहिए टेनिस क्रिकेट में, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जब भी आप ग्राउंड में उतरने जाओ, तो जैसे आप उतरने आए, तो आपको मतलब गार्ड वार्ड नहीं लेना है, एम्पायर से मांगना नहीं, क्योंकि बहुत मतलब टेनिस क्रिकेट में ऑड लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपको क्या करना है ना, अपने मन से कि ये जैसे लेग स्टंप है तो ये लेग स्टंप है, ये मिडिल स्टंप है तो लेग स्टंप पे क्या है, गार्ड ले लिए। तो मतलब अपना देखना है, वो मतलब गार्ड मांगना नहीं है एम्पायर से, क्योंकि वो बहुत गंदा लगेगा। तो आपको क्या करना है ना, मिडिल स्टंप से हमेशा खेलना, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में ज़्यादातर LBW होते नहीं है, क्योंकि रेड टेनिस बॉल से जब भी आप मतलब बिहार वगैरह में खेलते हो तो यहाँ पे LBW का मान नहीं होता है, तो इसलिए आप आराम से मिडिल स्टंप से खेल सकते हो। आप देख सकते हो मिडिल स्टंप। तो आपको स्टांस कैसे लेना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब घर पे आप कैसे स्टांस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देखो, ये जो आपका बैट है, आपको सबसे पहले बैट को रखना है, ठीक है, आराम से घर में कहीं भी रख दिए स्टंप के सामने। और जब भी आप स्टांस लो तो आपको थोड़ा क्रॉस टाइप से रखना है। ये देखो, एक पैर यहाँ और एक पैर दूसरा पैर यहाँ, इस टाइप से आपको रखना है, ताकि आपका जो स्टांस होना चाहिए टेनिस क्रिकेट में हल्का ओपन चेस्ट, क्योंकि सब क्या होता है ना, लेदर क्रिकेट जब भी खेलते हैं तो हम लोग चेस्ट थोड़ा बंद करके खेलते हैं ताकि सीधा सीधा खेल सके, लेकिन टेनिस क्रिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा ओपन चेस्ट, हल्का सा मतलब आपका पैर बाहर रहेगा, ताकि मैं आराम से मतलब लेग में आराम से छक्के लग सके। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको सबसे पहले एक पैर यहाँ रखना है, दूसरा पैर यहाँ रखना है, ये मतलब ABCD है, मतलब शुरुआत से मैं बता रहा हूँ कि स्टांस कैसे लेना चाहिए, जितना भी बिगिनर्स है आप सभी के लिए। आप लोग को ऐसे खड़े हो जाना है, उसके बाद क्या करना है ना, आपको यहाँ से बैट उठाना है। बैट उठाने के बाद आप देख सकते हैं सिंपल सा स्टांस मेरा, ये इस टाइप से बन चुका है, आप देख सकते हैं इस टाइप से स्टांस है। जैसे कि मैं मिडिल स्टंप पे पैर रखा था और लेग स्टंप पे, एक पैर आपका मिडिल स्टंप पे रहेगा और एक पैर आपका लेग स्टंप पे रहेगा। तो ये आपका जो होगा सबसे बेस्ट स्टांस होगा, क्योंकि लेदर क्रिकेट में क्या होता है ना, हम दोनों पैर एक बराबर में रखते हैं और लेग स्टंप पे जैसे जाते हैं तो गार्ड्स वगैरह लेते हैं और लेग स्टंप से पूरा खेलते हैं। तो लेदर क्रिकेट में आपका बिल्कुल स्टांस सीधा होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से स्टांस होता है। फिर आप आराम से कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, तो वो मतलब नीचे नीचे क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब अगर आपको नीचे नीचे खेलना है तो लेदर क्रिकेट का स्टांस लेना है। लेकिन अगर आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फटाफट क्रिकेट है, 8 ओवर का गेम, 10 ओवर का गेम या 16 या 20 ओवर का भी गेम होता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि जब भी आप स्टांस ले तो आपका हल्का सा ओपन चेस्ट रहना चाहिए, ताकि आप आराम से लेग साइड भी छक्के लगा सकते हैं, स्ट्रेट में भी छक्के लगा सकते हैं, कवर्स में भी छक्के लगा सकते हैं। तो अगर आप इस स्टांस से खेलते हो, जैसा कि मैंने लिया है, तो अगर आप ऐसे खेलते हो तो आप कवर्स में भी शॉट्स लगा पाओगे। नहीं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैट्समैन हैं जो कि इस टाइप से स्टांस लेते हैं और पूरा विकेट में क्लोज होकर यहाँ से खेलते हैं, सट जाते हैं और ऐसा स्टांस रहता है टेनिस क्रिकेट में, और ये हमेशा लपेटा शॉट मारते हैं। तो मतलब जब भी वो लपेटा शॉट मारते हैं तो आप देख रहे होंगे कि उनका कवर नहीं चलता, कवर एरिया नहीं चलता, क्योंकि वो जब भी मारेगा तो यहाँ से जब वो लपेटता है तो ये आपको उनका बैट ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, कि पूरा बिल्कुल ओपन चेस्ट नहीं खड़ा हो जाना ऐसे, जैसे कि वो सब कौन से प्लेयर वो खड़े होते हैं, वो टैलेंडर होते हैं, जो कि मतलब टैलेंडर टाइप के आए और बिल्कुल ऐसे स्टांस लिया और एकदम पूरा तैयार है हमेशा लेग में ही छक्के मारने के लिए, और जैसे बॉल आया फटाक छक्का फटाक छक्का। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो भी एकदम परफेक्ट बैट्समैन बनना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि मैं कवर्स में भी खेल सकता हूँ, स्ट्रेट में भी खेल सकता हूँ, तो उनके लिए सबसे सिंपल स्टांस है, आपको हमेशा हल्का सा ओपन पैर रखना है, ओपन चेस्ट रखना, देख सकते हैं आप। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टांस के साथ साथ आपका ग्रिप भी बहुत मायने रखता है, तो आपको बैट ग्रिप कैसे करना है, ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बैट ग्रिप कैसे करें, बनाऊंगा मैं वीडियो उसके बारे में, लेकिन अभी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आप देख सकते हो कि ये आपका जो बैट है, आप हमेशा इसको ऐसे वी, हमेशा वी में ऐसे ले और ऐसे करके इसको बैट लाए और यहाँ पकड़ना है, और इसको भी वी बना के हमेशा ऐसे लाए और आप देख सकते हैं यहाँ पकड़ना है, मतलब आपको ना तो पूरा जड़ में पकड़ना है और ना ही पूरा ऊपर पकड़ना है, तो आपको कहाँ पकड़ना है इतना छोड़ देना है और यहाँ पकड़ना है, आप देख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है ग्रिप करने का।
और जब आप ऐसे ग्रिप करते हो तो आपको छक्के क्या मतलब आराम से छक्के लगेंगे अगर आपका ऐसा ग्रिप होता है तो। उसके बाद जब भी आपका स्टांस होता है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ऐसे स्टांस लेते हैं जो भी प्लेयर, तो हमेशा बैट को टैप करते रहते हैं जमीन पे और उसके बाद बॉल आती है, उसके बाद तुरंत छक्के लग जाते हैं। तो आप ये कर सकते हो, सबका अपना अपना स्टांस होता है लेकिन डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। लेकिन मेरा जो स्टांस है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरह से बैट रखते हो ऊपर तो आपको देखिए बैट स्विंग बहुत तेज मिलेगा। मतलब बैट स्विंग आप देखो, अगर आपका बैट यहाँ है तो आपका तुरंत बैट आएगा, और आपका बैट यहाँ है तो क्या होता है ना कि आप बैट टैप कर रहे हो, फिर बैट बॉलर बॉल फेंका, उसके बाद मैं बैट उठाऊंगा, फिर बैट चलाऊंगा, तो बहुत देर हो जाता है, फास्टर को आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। तो सबसे बेस्ट जो है कि आराम से सिंपल आप स्टांस लीजिए और उसके बाद हमेशा बैट को उठा के रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बैट को टैप करने के बाद भी हमको ऐसे उठाना पड़ता है, सभी बल्लेबाज ऐसे उठाते ही है, तो आपको क्यों ना पहले से ही आप उठा के रखो। ये आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको लगेगा 2-3 महीना लगेगा प्रैक्टिस करने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। आपका स्टांस कैसा भी हो, लेकिन देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से स्टांस लेते हो तो आप चारों बगल क्रिकेट खेल सकते हो। ये नहीं कि अगर आप ऐसा स्टांस लिए तो हमेशा आप लोग लेग ही लगाओगे छक्का, तो आपको ये चीज हमेशा नहीं खेलना है, क्योंकि जब भी अच्छे बॉलर आएंगे तो आप हमेशा आउट हो जाओगे। और जब भी लेफ्टी कटर राइटी जो भी बल्लेबाज होता है तो उसको लेफ्टी बॉलर को खेलने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं आपको सबसे बेस्ट ये वाला स्टांस बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो करें। आपको हमेशा इस तरह से स्टांस लेना है ताकि आराम से इजिली जब भी लेफ्टी कटर बॉलर बॉल फेंके और जब टर्न ले तो आप आराम से उसको इजिली कवर्स पे खेल सकते हो, आराम से इजिली कवर्स पे खेल सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छा बल्लेबाज बनना चाहते हैं तो मैंने जो अभी आपको स्टांस बताया है बिल्कुल उसे फॉलो करें और आप एक अच्छे बल्लेबाज बनोगे। मात्र एक सप्ताह प्रैक्टिस करो और आप देखना एक आपका बैटिंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये जो आप स्टांस ले रहे हो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस वाले स्टांस से आप आराम से सिंगल डबल भी खेल सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप जरूर मुझे बताइएगा और मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप सभी के बीच ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। और भी जो आपको लगे कि क्रिकेट से रिलेटिव और कौन कौन सा वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है आप सब जब मुझे प्यार देते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ थोड़ा जो क्रैम्प किया था अब ठीक हो चुका है, और जितने भी भाई बोले थे स्टांस पे वीडियो, तो स्टांस पे वीडियो आ चुका है आप सभी के लिए, और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा आप सभी के लिए। तो थैंक यू गाइस।